बच्चे की मौत पर बवाल। जनपद उन्नाव स्थित जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कल शाम को जुकाम बुखार से पीड़ित एक मासूम बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के दुलमुल रवैये के चलते बच्चे की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक के पिता भोले को जांच के लिए इधर से उधर दौड़ाना बच्चे के लिए काल साबित हो गया और इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर जमकर हंगामा काटा। मामले को बढ़ता देख सदर कोतवाली पुलिस समेत उप जिलाधिकारी मेघा रूपम मौके पर पहुंची, जिसके बाद जांच का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। पूरा मामला जनपद उन्नाव जिला अस्पताल का है, जहां कल देर शाम एक बच्चे कृष्णा को भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार उसे जुकाम और बुखार की शिकायत थी, लेकिन सुबह होते ही उसकी हालत बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा उसे रेफर नहीं किया गया और कृष्णा के पिता भोले को लाइनों में धक्का खाने के लिए मजबूर करने के साथ साथ इधर से उधर दौड़ाया गया। भोला की माने तो इसी जद्दोजहद में उसके बेटे कृष्णा की जान चली गई, जिससे भोले बौखला सा गया और अस्पताल में जमकर हंगामा काटने के साथ साथ कार्रवाई की मांग की, जिस पर अस्पताल प्रशासन की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बात ना बन सकी। अनंत उप जिलाधिकारी मेघा रूपम के पहुंचने पर मामले की जांच का आश्वासन दिया गया, तब जाकर बच्चे के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। वहीं CMS मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की माने तो गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हालत गंभीर थी तो कृष्णा को रेफर क्यों नहीं किया गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, इलाज दिया? डॉक्टर ने इलाज किया, एडमिट किया, उन्होंने खून जांच लिखा, वहाँ जांच करा कर लाइन लगाने में खड़े रहे, लाइन लगा के बच्चों को नीडल से निकाल के ले गए वहाँ जांच कराने। वहाँ पर लाइन लगी, बच्चा और सीधा चला रहा, हमने कहा एक बंदा वहाँ हमने खड़े किया, हमने नंबर आ जाए तो हमको बच्चा गुजर रहा चढ़ा लेंगे, चढ़ जाने दो आराम मिलेगी। और वहाँ बंदे हमने लाइन लगा रखा कि जब तक नंबर आ जाए हम लेके चले जाएंगे बच्चे को। वहाँ दोबारा लेकर गए तो वहाँ बोल रहे कि ये हम नहीं निकालेंगे, बेहोश बच्चा है, हम खून नहीं निकालेंगे। और वहाँ से लेके यहाँ पर आए, बोला डॉक्टर से बोलो जाकर के अपना खून निकालेगी वो बच्चे का और यहाँ लेकर गया, हम चेक करेंगे। उनसे बोला नहीं वही निकालेगा, मैम ने बोला नहीं वही निकालेगा। फिर बोला कि चलो वहाँ निटाओ, वो दो लड़के थे वो खून निकाल रहे थे। फिर डॉक्टर साहब आए, उठ के उसके लाखों में टाच मारा, कह रहे खत्म हो गया, खत्म हो गया। बता सही रात देते तो हमको बता देते, हम चले जाते, लेके कहीं नहीं देते, लेके चले जाते यहाँ से। जब ने पूछा भी तो बोला नहीं, इसको इंजेक्शन लगाया, मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला? बच्चा जब भर्ती हुआ सीधे थे कन्वंजन आ रहे थे उसको, और नासा ने बताया भी कि बच्चे वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया भी कि मरीज बच्चा सीधे है और मतलब इलाज उन्होंने चल ही जाता है। जैसा कि परिजनों ने बताया, मैंने बताया सीरियस था पहले से, प्यार है चला था ना, मैं चला था, बच्चे डॉक्टर ने देखा ये कृष्णा नाम का बच्चा 3 साल की उम्र का आज सुबह 7:55 AM 7:55 पे सुबह यहाँ पे भर्ती हुआ था और लगभग 11:30 बजे बच्चा डिक्लेयर डेड किया गया। तो इस पे जांच करी जाएगी, जांच के उपरांत जो भी जांच से निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। क्या मैम बच्चे को जब तक जांच नहीं होती तब तक इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, जब जांच में सारी चीज़ें बाहर निकल के आएगी।